अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी पाकिस्तान में शॉपिफाई पे या वू कॉमर्स के जरिए लोकल ई कॉमर्स यानी कि कर रहे हैं, पाकिस्तान में कॉमर्स कर रहे हैं, तो आपको उसके कॉन्स का भी पता होना चाहिए। प्रोज तो हमें सबको पता है कि उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत है, कि एक हम 500, 700, 800 रुपए वाली चीज जो बल्क में हम उठाते हैं या चाइना से हम उठाते हैं, और उसके बाद जब हम उसको अपने पाकिस्तान में सेल करते हैं, उसमें प्रॉफिट मार्जिन हमें अच्छा मिलता है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, विद द हेल्प ऑफ मेटा एड्स, विद द हेल्प ऑफ टिकटॉक एड्स, और इस तरह हम उनको सेल करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका वीक पॉइंट भी है कि जो आपके लॉस की तरफ भी आपको ले जा सकता है, आपके प्रॉफिट को खत्म कर सकता है। वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये लास्ट हमारी जो डिलीवरी गई थी, ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारे रिटर्न्स हैं। आपको तकरीबन 15-20% जो है रिटर्न आएंगे। इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, अगर आप उनमें काम करते हैं तो आपकी रिटर्न रेशो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। बहुत ही मेच्योर वहाँ पे आपको ऑडियंस मिलने वाली है। लेकिन अगर आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के सेल करना शुरू कर देंगे, उस पर हंटिंग पे प्रॉपर आप काम नहीं करेंगे, तो आपको जो है रिटर्न रेशो बढ़ जाएगी, और उसको मैनेज करते हुए फिर आपको जो है लॉस का मुंह देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट तो आपके पास वापस आ जाती है, दोबारा रीसेल कर सकते हैं, लेकिन आपको जो एक्सपेंसेस उसके ऊपर पे करने पड़ गए, वो सारे आपके अपनी जेब से जाते हैं। यहाँ पे ये देखें, इमेच्योर ऑडियंस के सारी गेम है। ये हम मोस्टली पोस्टेक्स यूज कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सर्व सब तक हमारे लिए बेहतर है। और ये देखें, यहाँ पे ये हमारे रिटर्न रेशियो है, हम ब्यूटी पे काम कर रहे हैं, और ये देखें यहाँ पे ये सारे रिटर्न हैं हमारे। और अब इनको बंदा पूछे, ये देखें ये हमारे ओपन भी कर लिए जाते हैं इस तरह से पार्सल, और उसमें कुछ और भी डाल दिया जाता है। ये सारी गेम पाकिस्तान में होती है। ये सारी गेम सबसे पहले इमेच्योर हमारे जो हैं सेलर्स हैं, वो आपको दिखाते कुछ हैं, बेचते कुछ हैं। सबसे पहली गलती ये है। सेकंड गलती है इमेच्योर हमारे कोरियर सर्विस वालों की, कि वो अपने बॉयज को पूरा पे नहीं करते। वो खुद अपने बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं और अपने बॉयज को पूरा पे नहीं करते। अगर वो उनकी परसेंटेज रखें कि हर प्रोडक्ट के ऊपर उनकी परसेंटेज है, तो वो टू बी होनेस्ट ज्यादा काम करें और हर प्रोडक्ट को उनके घर तक पहुंचा के आए, हर कुरियर वाला हर पार्सल को उनके घर तक पहुंचा के आए, ठीक है। और उससे बड़ी इमेच्योर हमारी ऑडियंस है, बायर है, कंसाइनी है, जो उनको पता चल गया कि 4 से 5 दिन लगते हैं, लेकिन ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमारा खर्चा हो गया, हमने प्रोडक्ट को डिस्पैच किया, फ्लायर लगाया इतना अच्छा, उसके बाद उसके अंदर पैकिंग अच्छी की, और उसके बाद हमने इसकी प्रिंटिंग की, इसको हमने भेजा, और उसके बाद हमारे ऊपर ये कॉस्ट इसकी पड़ गई, इसके जो है रिफंड की, रिफंड तक की, ठीक है। ये लॉस सिर्फ अगर ना हो पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान जैसी मार्केट ही नहीं है कि आप जिसमें जो चाहे सेल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पे तकरीबन 25 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की, लगभग 25 करोड़ की आबादी है, उसमें से अगर 10 करोड़ भी मोबाइल यूजर हो, और उनको अवेयरनेस तो होती है, क्योंकि हम क्रिएटिव ही ऐसा बनाते हैं कि उसके सामने जब हमारा ऐड जाता है तो वो कहता है कि यार अगर ये चीज मैंने बाय ना की तो इस तरह उसे लगेगा कि यार मैं लगता है दुनिया से पीछे रह जाऊंगा, इस तरह का हम क्रिएटिव बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी गेम है। यहाँ पे अगर आप भी ये टोटल A to Z ई कॉमर्स सीखना चाहते हैं, आप हरियावाला चौक फैसलाबाद में तशरीफ ला सकते हैं, या आप दिए गए नंबर पे रابطہ भी कर सकते हैं। हम हर बैच के साथ अपना स्टोर बनाते हैं, उसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग सिखाते हैं, डिजाइनिंग सिखाते हैं, और उसके बाद उसको हम लॉन्च करते हैं टोटल A to Z, और उसके ऊपर उसको प्रॉफिटेबल बना के फिर हमारा बैच कंप्लीट होता है। तो आप हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स भी चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी डिस्पैचिंग कर रहा होता हूँ, खुद भी हम मैं लिस्टिंग कर रहा होता हूँ, खुद भी सारे काम कर रहे हैं साथ साथ, और साथ में हम जो है अपना अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को भी साथ में एज अ मेंटोरशिप प्रोग्राम हमारा चल रहा है। तो अगर आप भी ये सब सीखना चाहते हैं कि लोकल ई कॉमर्स विद बहुत ही थोड़े से पैसों के साथ जो शुरू हो जाती है, और आपको उसमें लॉस के चांसेस भी नहीं है, इसके आप बरअक्स अगर देखें, आप अगर ब्रॉड मार्केट में जाते हैं, आप US में जाते हैं, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपको कम से कम $1,000-2,000 तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए चाहिए प्रोडक्ट के, और फिर उसके बाद अगर आप Amazon की बात करते हैं तो वहां तकरीबन आपको $5,000 चाहिए कम से कम अपना जो है स्केल अप करने के लिए। यहाँ पे अगर आप थोड़े से तकरीबन 50,000 से 1,00,000 से स्टार्ट लेते हैं, तो आई थिंक सो आप आहिस्ता आहिस्ता इसको स्केल अप कर सकते हैं और फिर इसको प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं, और 1,00,000 से 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कहीं नहीं गए अगर आप प्रॉपर इस काम को समझ के करना शुरू कर देते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट किसी और वीडियो में करेंगे बात अबाउट ई कॉमर्स। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना रखिए बहुत सा ख्याल, अल्लाह हाफिज।